हेलो फ्रेंड्स, biharrecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को टिक्की चाट बनाने की विधि बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगता है, बाजार में अगर कहीं भी ठेले पे दिख जाए तो बिना खाए लोग मानते नहीं हैं। इसलिए ठेले का जो मजा है या बाहर रेस्टोरेंट में आप खा रहे हैं उसका जो है मजा आप घर में उठाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम चाट बनाएंगे। तो चाट के लिए यहाँ हम उबला हुआ मटर लिए हैं, ये अच्छे से हम रात में भिगो करके और इसको धो करके और कुकर में 2 से 3 सीटी लगा करके अच्छे से उबाल लिए हैं। अब हम मसाले के लिए यहाँ लिए हैं, लहसुन है 8-10 कली, अदरक है, मसाले में साबुत ये काली मिर्च है, जीरा है, धनिया है, सभी साबुत है, और ये है ये हल्दी पाउडर है, ये गरम मसाला है, और यहाँ हम थोड़ा सा हरा धनिया लिए हैं, 4 हरी मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा हम एक प्याज भी लिए हैं ताकि जो मसाला पीसे तो उसका जो पैटर बने वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मसाला पीसने में पैटर थोड़ा अच्छा गढ़ा रहता है, बनता है। थोड़ा सा टमाटर भी ले लिए हैं, इसको हम बारीक थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ तड़के के लिए हम लिए हैं 1 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा है आधी छोटी चम्मच, ये बारीक कटा 2 मीडियम साइज का प्याज है, 2 टमाटर है। इन सभी चीजों को सबसे पहले हम चाट बनाएंगे। तो देखिए, चाट बनाना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, चाट के लिए हम कढ़ाई को अभी चढ़ा दिए गैस पे, जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम टिक्की की भी जो सामग्री है वो आपको दिखा देते हैं। टिक्की बनाने के लिए हम आलू लिए हैं उबला हुआ, ये 300 ग्राम है, अपने आवश्यकता अनुसार रखिए सामग्री। तो हम आलू लिए हैं, ये चावल का आटा है, 2 चम्मच हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। अगर आपको चावल का आटा पसंद ना हो तो अरारोट भी डाल सकती हैं। तो हम यहाँ 3 छोटी चम्मच इसे डाले हैं चावल का आटा। थोड़ा सा हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, ये काला नमक है। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये बारीक कुटा हुआ लाल मिर्च है, मार्केट में भी मिलता है, घर में भी आसानी से बना सकती हैं, तवे से पे हल्का भून करके और इसको दरदरा कूट लीजिए। ये जीरा पाउडर है, इसको भी हम भुना हुआ जीरा है डाल दिए हैं। थोड़ा सा हम यहाँ हरा धनिया लिए हैं और 2 चम्मच हम यहाँ ले रहे हैं ये देसी घी है, थोड़ा इसको गर्म करके हम गर्म कर लिए हैं, 2 चम्मच देसी घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टिक्की बनाने के लिए बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं। अगर आप सॉस के साथ भी टिक्की दीजिएगा तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो हम हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा जो है टिक्की बनने के लिए भी जो है ये मटेरियल तैयार है, इसको अच्छे से मिला करके एक तरफ हम टिक्की भी बनाएंगे और एक तरफ आपको दिखाते हैं चाट बना के। टिक्की चाट बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाएगा। तो देखिए, आलू का जो है हम टिक्की के लिए जो तैयार किए थे इसका गोल गोल थोड़ा थोड़ा गोला लेकर के इस तरह कुछ कर लिए हैं। एक तरफ दिखने के लिए, दिखने में बहुत सुंदर लगता है, थोड़ा सा चपटा करेंगे, किसी बर्तन गोल आकार का हो या ग्लास हो उससे आप थोड़ा इसको कट कर लीजिए, क्यों देखने में एक साइज का लगता है और देखने में सुंदर लगता है, उसलिए हम कर रहे हैं। खाने में स्वाद तो वही आएगा लेकिन एक तरह का जो है टिक्की बन के तैयार होता है तो उस तरह देखने में सुंदर लगता है। तो देखिए, एक टिक्की तैयार है, इसी तरह हम सभी टिक्की को तैयार कर लेंगे। देखिए, इसी तरह एक एक करके सभी टिक्की को तैयार करना, हल्का सा इसको प्रेस कीजिए, ऐसे भी सेक सकती हैं लेकिन थोड़ा देखने में सुंदर लगने के लिए हम इसको कर रहे हैं। ये जो टुकड़ा बच रहा है साइड वाला, इसको हटा करके इसको भी गोला तैयार करके इसको भी कट करके और बना लीजिए।